हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी वेज बर्गर। इसके लिए मैंने लिया है 5 उबले हुए आलू, 1/4 कप मटर है और ये है स्प्रिंग ऑनियन सफ़ेद और हरा, उसके अलावा हरी मिर्च और हरा धनिया है। और मसालों में हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक और कूटी काली मिर्च, सब अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। कॉर्नफ्लोर है, आधी कटोरी मैदा है और आधी कटोरी ब्रेड क्रम्स, उसके अलावा 1 कप पोहा। सबसे पहले हम बनाएंगे पेटिस। आलू को हम लोग खींच लेंगे और पोहे को धो के 5 मिनट के लिए भीगने रख देंगे। अभी एक मिक्सिंग बाउल में मैंने खींचा हुआ आलू डाला है और भिगा के रखा हुआ पोहा, जिसे मैंने धो भी लिया था। उसके बाद उबले हुए मटर डालकर, ये है हरा प्याज, हरा प्याज का हरा वाला हिस्सा और सफ़ेद वाला हिस्सा। उसके बाद हरी मिर्च, एक हरी मिर्च है उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और हरा धनिया डालकर अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और ये है 1/2 टीस्पून कुटी काली मिर्च, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला 1-1 टीस्पून है डालकर पैन में मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको हम लोग हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें एक नरम डो बना के रखना है। अगर यहाँ पे आपके आलू ज़्यादा उबल गए और गीला है तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिला लेना। अब हम इसके पैटिस बनाएंगे। पैटिस आप हाथ से भी बना सकते हो, पर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सिलेंड्रिक शेप देकर बटर पेपर में रैप करके फ्रिज में रखूँगी। इस तरीके से बटर पेपर में या फिर क्लीन रैप या सिल्वर फॉइल का भी आप यूज़ कर सकते हो। लपेट कर अगर हम लोग फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे तो जो हमारे पेटीज है वो लुक वाइज बहुत अच्छे रहेंगे और जो हमारा बर्गर है वो एकदम मार्केट स्टाइल जो हम लोग बाहर से खरीदते वैसे ही रहेगा। अब मैंने इसको अच्छे से लपेट दिया। अब मैं 1 या 1/2 घंटे के लिए इसे सेट होने रख दे रही हूँ। अब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया। अभी मैं इसको बटर पेपर में से बाहर निकाल रही हूँ। बाहर निकाल के अब हम इसे कट करेंगे। इस तरीके से सेट करके फ्रिज में रखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर जो हमारे पेटीज है वो लुक वाइज बहुत अच्छे लगेंगे और हमारे बर्गर जैसे मार्केट से हम लोग परचेस करते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। अभी मैंने इन्हें कट कर लिया। कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका शेप आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है, पर ये हमारे बर्गर से थोड़ा साइज़ में छोटा होना चाहिए क्योंकि इसे हम लोग फ्राई करेंगे तब उसका साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अभी मैंने 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्स डाला है और 1 प्लेट में आधी मैदा डाला और आधा हम लोग बाकी यूज़ करेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून कुटी काली मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक डाला है। नमक डालकर अभी मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके उसके बाद मैंने एक और मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैं बाकी बचा हुआ मैदा और 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चाहो तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी काली मिर्च अराउंड 1/4 टीस्पून डालकर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। इसका जो बैटर या घोले, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए और एकदम स्मूथ रहना चाहिए इस तरीके से। अगर ऐसा रहेगा तो हमारा बैटर परफेक्ट है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी मैं ले रही हूँ एक पैटिस। पैटिस लेकर सबसे पहले मैं इसको सूखे मैदे में लपेट रही हूँ। सूखे मैदे में अच्छे से लपेट कर उसके बाद इसको मैं मैदे के घोल में डिप करूँगी। इस तरीके से सूखे मैदे में लपेटने से और फिर मैदे में लपेट कर फिर हम लोग जब ब्रेड क्रम में इसको लपेटेंगे, रैप करेंगे, तो हमारा जो टिक्की है या पैटीज है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा जो टिक्की है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा भी होना चाहिए क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर हम करते हैं उसमें टिक्की का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अभी मैं इसको डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स के ऊपर। डालकर अभी इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम को इवनली अच्छे से लपेट रही हूँ। बस इस तरीके से लपेटने के बाद हमारा जो टिक्की है, पेटीज है, उसका बेस बन के रेडी हो जाएगा। ये टिक्की अभी बन के रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में और इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे टिक्कीज को भी बना के रेडी कर लेंगे।
मैंने रखा है एक पैन, पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैं डाल रही हूँ टिक्की। टिक्की समय एक बार में उतनी डालनी है जितनी आ सकती है। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखकर ऊपर नीचे पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होते तक इन्हें फ्राई करना है। आप चाहो तो इन पेटीज को पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हो और जब यूज़ करना है तब निकाल के इन्हें फ्राई कर लेना। ऐसा करने से हमारा टाइम भी बच जाएगा और बर्गर बहुत जल्दी असेंबल भी हो जाएगा। अब ये फ्राई हो गया है, इनको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर अब हम बाकी के बचे हुए पेटीज को या टिक्कीज को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे बाकी के टिक्कीज भी फ्राई होके रेडी है। अब हम देखते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स। ये है कुछ कटे वेजिटेबल, टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, वेज मेयोनीज, बटर, चीज स्लाइस है। उसके अलावा ये है कुटी काली मिर्च, इसको हम लोग हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे, और बर्गर बंस है। सबसे पहले हम लोग बन को बीच में से काट लेंगे। बीच में से काट कर उसके बाद इसको हम लोग सेक लेंगे। काटने के बाद मैंने रखा है एक पैन, पैन रखकर उसके ऊपर मैंने डाला है बटर। बटर जैसे थोड़ा सा पिघल जाएगा उसके बाद इसके ऊपर हम लोग कटा हुआ बन रखकर दोनों तरफ ऊपर नीचे अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होते तक। इस तरीके से सेकने से जो बर्गर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट बिना सेके ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट सेकने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सीख गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर हम करते हैं बर्गर को असेंबल। सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर सॉस। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून वेज मेयोनीज, लेकर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, अराउंड 2 पिंच जितना डालकर मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस हमारा बर्गर सॉस बनके रेडी है। अभी मैंने लिया है बन, बर्गर बन लेकर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बर्गर सॉस, डालकर इसको अच्छे से फैला रही हूँ। फैलाकर उसके बाद इसके ऊपर मैं रख रही हूँ चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस रख कर उसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ पेटीज या टिक्की रख कर उसके ऊपर टमाटर, खीरा, प्याज और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर बंदा गोभी का एक पत्ता रख रही हूँ, और उसके बाद दूसरे बन से मैं इसको कवर कर रही हूँ। कवर करके टूथपिक से इसको अच्छे से हम लोग सिक्योर कर लेते ताकि ये गिरे नहीं। अब ये एक बर्गर बन के रेडी है। वो एक और बर्गर बना के दिखा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा चटपटा और स्पाइसी पसंद करते हैं तो असेंबल करते समय सबसे पहले मैंने सॉस रखा है, फिर उसके बाद पत्ता, पैटीज, और ऊपर से मैं छिड़क रही हूँ चाट मसाला और काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालकर उसके बाद मैं उसके ऊपर रख रही हूँ वेजिटेबल्स। आप इसको कैसे भी असेंबल कर सकते हो, पहले टिक्की या पहले वेजिटेबल, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर टेस्ट सभी का बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने उसके ऊपर रखा है चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस रखकर दूसरे बन से मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये बर्गर बहुत ही आसान तरीके से और उन चीज़ों से हमने बनाया जो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो अब आप भी ये टेस्टी और यम्मी वेज बर्गर ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।